कि नमस्कार ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं राज धर्मा पे, करण जौहर पकड़ा गया। एक तरफ बॉलीवुड में भी साइन कर रहे हैं, फिल्म में भी काम कर रही है, और एक तरफ सूटकेस में ड्रग्स भी बेच रही है, यानी दो दो धंधा। आज ससुराल चली गई है एनसीबी के, आज कंगन पहन लिया है, बहाने कर रही थी नहीं पहनूंगी कंगन, नहीं पहनूंगी कंगन, तो एनसीबी ने बोला गैट हाथ पकड़ा, बुला दिए ले, चार इधर कंगन चार उधर कंगन। अभी पीछे सीबीआई भी खड़ी है, सुशांत सिंह राजपूत को बोल रहा है कि नशेड़ी लड़के से प्यार करने की सजा। क्या सुशांत भाई ने लेटर दिया था लंबा सा कि रिया, ऑनरेबल रिया प्लीज कम स्टार्ट लविंग विथ मी। रिया के तीन बाबूजी इंद्रजीत चक्रवर्ती, लंडी टीवी जिसको जिसका रियल नाम है एनडी टीवी, उसको मैं बोल रहा हूँ लंडी टीवी, और तीसरा आज तक, तीन ये बाप हैं इनके जो लगातार अपनी बिटिया को चमकाने में लगे हुए हैं। एनसीबी ने क्या हॉर्लिक्स पीने के लिए गिरफ्तार किया है? नहीं, गिरफ्तार किया है कि तुम नशेड़ी हो और तुम 2015 से गांजा फूंकती थी, तुम 2015 से चीलम लगाती थी, तुम 2015 से ड्रग्स की धंधा करती थी। बताइए 10 लाख इसको कौन देता होगा मूवी में? इस हीरोइन को 10 लाख कौन देता होगा? अरे मुंह ऐसा कि कुत्ता भी नहीं चाटे। अरे लोग तो फिल्म देखे छोड़िए, दांत देखा है फावड़ा की तरह, अब मूवी बनाएंगी। इसके लिबास से लग रहा है कि ये मिडिल क्लास की होगी। अरे मिडिल क्लास की तो हम लोग हैं, व्हाइट, ये देखिए ये बटन गल गया है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया, स्वागत है आप सभी का द राज धर्मा पर। देखिए सुशांत केस में जो मुख्य आरोपी नंबर वन आरोपी थी रिया चक्रवर्ती, फाइनली एनसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कई दिनों की रिमांड पर उसको ले जाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सबसे बड़ी की सब उन तमाम करोड़ों फैंस के लिए छोटी सी खुशी और भी मिली है। जब सीबीआई की वर्डिक्ट आया था कि सीबीआई जांच करेगी, वो खुशी थी, लेकिन आज जो खुशी की साइज है, आकार है, वो इतना बड़ा है जी। तो अच्छी बात है कि ये विश कन्या एनसीबी के कब्जे में है। अब एनसीबी को आज रात में कहीं ना कहीं हाथों में ताबीज उबीज बांध लेने चाहिए जी। क्योंकि ये काला जादू करेगी रात भर में, या तो इसकी माँ बैठी होगी जो गुफा में प्राइम रोज के पास जी। जो गुफा है, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश करेगी जी। कि जो मेरी चूजी बेटी है, जहरीली बेटी है, उसको निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन एनसीबी ऑलरेडी लगातार उनके ऑफिसर जो हैं वो ताबीज बांध के रखे हुए हैं कि ये कुछ भी कर ले, कितना भी फड़फड़ा ले, लेकिन इसको बाहर निकलने नहीं देंगे जब तक ये न बोल दे कि मैंने करण जौहर को दिया है, मैंने रणबीर कपूर को दिया है, डॉक्टर दीपिका पादुकोण, डॉक्टर दीपिका पादुकोण बोल रहा हूँ, डॉक्टर दीपिका पादुकोण को दिया है, ये जब तक नाम नहीं ले लें तब तक लठ बजते रहेगी। 25 नाम तो अभी लिए हैं उन्होंने, क्या हो सकता है, किस किस के नाम हो सकता है? देखिए मैंने नाम बोला ना कि अब नाम लिए हैं, लेकिन ये सामने आने चाहिए कि नमस्कार ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं राज धर्मा पे, करण जौहर पकड़ा गया, ये आवाज आनी चाहिए जी। खुल के जी। लुका छिपी नहीं होनी चाहिए। करण जौहर जैसे गोबर डायरेक्टर आम सही आना चाहिए कि क्या बॉलीवुड में मूवी के साथ साथ ड्रग्स का भी धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, ये सामने जरूर आना चाहिए। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज है कि साउथ में एक हीरोइन भी पकड़ी गई है, मिस द्विवेदी नाम है, बेंगलुरु से पकड़ी गई, कन्नड़ फिल्म में काम करती हैं। एक तरफ बॉलीवुड में भी साइन कर रहे हैं, फिल्म में भी काम कर रही हैं, और एक तरफ सूटकेस में ड्रग्स भी बेच रही हैं, यानी दो दो धंधा। इसीलिए तो लगातार रिया जैसी टुच्ची सड़क छाप हीरोइन के पीछे में पूरा महाराष्ट्र सरकार लगा हुआ है। और कल रात में पत्रकार महोदया 7 घंटा बांद्रा पुलिस स्टेशन में क्या कर रही थी ये जी। 7 घंटा दुनिया का सबसे लंबा FIR हुआ है, 7 घंटा। अरे सास से मिलने गई थी क्या रिया अपनी, की शिकायतें कर रही थी, या सास बहू से रिश्ता था वहां पे कि देखो माँ प्रियंका श्वेता इतना गंदा काम की है, बताओ ऐसे चल रहा था वहां पर ड्रामा। सवाल पूरा देश पूछता है कि आप रिया के लिए 7 घंटे लगा रहे हैं, आई कॉमन सिविलियन लोग FIR के लिए जाते हैं उसको धक्का मार के बाहर करते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ उस चटुआ पुलिस से, मैं सवाल पूछता हूँ उस परमबीर सिंह से कि कंधे पे सितारे लेके और भारत सरकार का तमगा लगा के और वहां बिके हुए तुम लोग, बिका शब्द बोल रहा हूँ मैं,
सात घंटा ऐसा कौन सा एफआईआर हुआ था? और परमवीर सिंह को पता नहीं है कि कोर्ट ने क्या बोला था कि इस ड्यूरेशन पीरियड में अगर कोई भी एफआईआर होगा वो सीबीआई के डीआरडी ऑफिस में होगा जी। लेकिन यहाँ पे रेड कार्पेट बिछाया जा रहा था बांद्रा पुलिस में, एफआईआर हो रहा था कि उसका बॉडी मसाज चल रहा था रिया चक्रवर्ती का। अंदाजा लगे पत्रकार महोदय, सात घंटा। अब देखिए जो तिवारी भैया रिसर्च करके आए हैं कि आखिर सात घंटा चल क्या रहा था, मैं बताता हूँ। सात घंटा एफआईआर फिर नहीं हुआ है। विश कन्या लगातार 80 दिनों से इधर उधर बच रही थी, मेकअप वेकअप नहीं कराई थी, आईब्रो नहीं क्लीन करवाई थी, पेडिक्योर मेनिक्योर नहीं हुआ था, इसीलिए ये बांद्रा पुलिस स्टेशन में गई और किसी हवलदार को बोली होगी कि चुपके से पीछे दरवाजे से मेनिक्योर वाले को बुला लो, पेडिक्योर वाले को बुला लो, आईब्रोज बनवा दो, फेशियल करा दो, क्योंकि मैं ससुराल कल जाने वाली हूँ और आज ससुराल चली गई हैं एनसीबी के। आज कंगन पहन लिया है, बहाने कर रही थी नहीं पहनूंगी कंगन, नहीं पहनूंगी कंगन, तो एनसीबी ने बोला गैट हाथ पकड़ा बुला दिए, ले चार इधर कंगन चार उधर कंगन। अभी पीछे सीबीआई भी खड़ी है कि आपका कंगन अगर लग जाए फिक्स हो जाए जी। तो यहाँ तक कंगन हम पहनाएंगे, जो नई नई नवेली दुल्हन होती हैं यहाँ तक पहनती हैं, तो उनको और पहनाएगा। सीबीआई भी पीछे खड़ी है, इनको कंगन से ऐसे भर देगा ताकि दुनिया की सबसे जहरीली का स्वयंवर कहलाएगा, स्वयंवर जहरीली लड़की का, अंदाजा लगाइए। और आज इसका वकील बोल रहा था, क्या नाम है इसका, सतीश मानी शिंदे, अपने बाप को वकील बोलते हैं, सम्मान करते हैं इनको, सम्मान तो मैं मुंबई पुलिस का भी करता हूँ, लेकिन जब बात आएगी बेटे पे, जब बात आएगी शेर पे, जब बात आएगी न्याय के लिए, तो मैं बखिया और धरने से छोड़ूंगा नहीं। और कोई भी पुलिस या कहीं की पुलिस सब्जी अच्छी होती है, लेकिन जब उसका कैप्टन चटू वाला काम करता है, हाथ में डंडा नहीं लेके जीभ निकाल दे कि यस मैडम चाटना है, यस सर चाटना है, यस सर, अरे तुम मुंबई पुलिस हो, वैसा काम करो कि लगे कि हाँ स्कॉटलैंड पुलिस है, लेकिन तुम लोग स्कॉट नहीं स्कर्ट बन गए हो, रिया का स्कर्ट देख रहे हो तुम लोग। ये जवाब जनता जानना चाहती है। और आते हैं टॉपिक पे, सतीश मानी शिंदे आज इसकी हिम्मत कैसे हुई, इस वकील का चोरी करके पास हुआ है LLB, सुशांत सिंह राजपूत को बोल रहा है कि नशेड़ी लड़के से प्यार करने की सजा। अच्छा चलो मान लो कि सुशांत भाई नशा करते थे, मान लीजिए, माना कि मैथमेटिक्स में होता है माना कि, माना कि, तो क्या सुशांत भाई ने लेटर दिया था लंबा सा कि रिया, ऑनरेबल रिया प्लीज कम स्टार्ट लविंग विथ मी स्टे। आपने एक भी वीडियो क्यों नहीं प्रूफ किया कि सुशांत भाई ड्रग्स ले रहे थे? जो व्यक्ति हैं ही नहीं उस पे लगातार बेलचा से लांछन लगाए जा रही हो जी। लगातार तुम जेसीबी मशीन से लांछन लगा रही हो और तुम्हारा ये वकील लगा रहा है। अरे संस्कार सीखना है तो विकास सिंह जी से सीखिए, जो वकील हैं दिल्ली में बैठे हुए विराजमान हैं, तरीका कैसे होता बात करने का उनसे सीखना चाहिए जी। ये चटुआ वकील, मैंने इसको कितना बार बोला है कि जब भी जाओ आप, क्या नाम है, विश कन्या के घर पे हाथ में ताबीज बांध के जाया करो, लेकिन मेरा बात नहीं माना। और आज जिस तरह का रवैया, जिस तरह का बयान रहा है, मुझे पता चल गया कि ये LLB ठीक से नहीं किया है। मैं सम्मान करता हूँ वकीलों का जी। लेकिन इस तरह का वकील देश में नहीं चाहिए जी। जो भाषा का सम्मान नहीं करे, जो भाषा पे कंट्रोल नहीं करे जी। जो व्यक्ति है नहीं, किसने कहा सुशांत सिंह राजपूत नशा करते थे? देखिए रिया चक्रवर्ती का तो ये भी कहना है, शुरू से कह रही थी जब NCB की जांच थी कि नहीं मैं ड्रग नहीं लेती हूँ, पकड़ जाने के बाद कह रही है कि मेरा भाई लेके आता था, अब कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत जबरदस्ती ड्रग मंगाते थे, तो ये कहना है। देखिए रिया के तीन बाबूजी इंद्रजीत चक्रवर्ती, लंडी टीवी जिसको, जिसका रियल नाम है NDTV, उसको मैं बोलता हूँ लंडी टीवी, और तीसरा आज तक, तीन ये बाप हैं इनके जो लगातार अपनी बिटिया को चमकाने में लगे हुए हैं। और जो इनके जीजा साला पत्रकार हैं, जैसे जितने भी लंडी टीवी पत्रकार हैं, श्वेता चतुर्वेदी, लवीस बहुगुना, ये जितने भी हैं ये सब इनके साले पत्रकार हैं।
सरहद लगेंगे, कोई भौजाई लगेगा, ये सब पत्रकार हैं। आइए, उसका जीजा पत्रकार है ये राजदीप सरदेसाई, चटुआ पत्रकार, अवैध नाजायज पत्रकार आज तक का। ये लगातार बोलता रहा कि आप ड्रग्स नहीं लेती हैं, उसके लिए महिमा मंडल, आज एनसीबी ने क्या हॉर्लिक्स पीने के लिए गिरफ्तार किया है कि रिया तुम बहुत ज्यादा हॉर्लिक्स पीती हो, या तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा बेचा है, इसके लिए गिरफ्तार किया है? नहीं, गिरफ्तार किया है कि तुम नशेड़ी हो और तुम 2015 से गांजा फूंकती थी, तुम 2015 से चिलम लगाती थी, तुम 2015 से ड्रग्स की धंधा करती थी, तुम्हारे पास कोई इनकम सोर्सेज नहीं है, तुम इसलिए धंधा कर रही हो, ये सब एनसीबी ने बोला है। आज इतना महंगा महंगा जूता पहन के घूम रही है ये क्या लगता है कि आपको महेश भट्ट खरीदता होगा इसके लिए? नहीं, ये लगातार ये जाती है मुंह पे कपड़ा डाल के, अब बोलती है एमडी ले लो, एमडी ले लो, एमडी बेच के आ जाती है और महंगा जूता खरीद रही है। बताइए, 10 लाख इसको कौन देता होगा मूवी में? इस हीरोइन को 10 लाख कौन देता होगा? अरे मुंह ऐसा कि कुत्ता भी नहीं चाटे। अरे लोग तो फिल्म देखे, छोड़िए दांत देखा है फावड़ा की तरह, अब मूवी बनाएंगी तो वो ऐसी लड़की को 10 लाख का एक्टर बना दिया। 10 लाख 5,000 भी लोग नहीं दिए, 5,000 भी लोग नहीं। ये ड्रग्स की धंधा 2015 से करती थी। अब मालूम है क्या, सुशांत भाई को देखा कि तिजोरी खुला हुआ है, लगी ड्रग्स वहीं से शुरू करने, वहां से मोटा माल खरीदती और डिस्ट्रीब्यूटर को देती, इसका यही धंधा था। अब सुशांत भाई नहीं है तो कभी वो आरोप, कभी ये आरोप, कभी वो आरोप, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि चैनल माध्यम, आपका चैनल है राजधर्मा, आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ मैं कि श्वेता दीदी को चिंता की बात नहीं करे, प्रियंका दीदी चिंता नहीं करे, आपका तिवारी भैया आपके साथ है, आपके साथ आपका राजधर्मा चैनल आपके साथ है कि आप संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, संघर्ष राजधर्मा ग्राउंड जीरो पे कर रही है, तिवारी भैया ग्राउंड जीरो पे कर रहे हैं। दीदी आप निश्चिंत से कैलिफोर्निया में रहो, प्रियंका दीदी पे लांछन लगा रही है ये टुच्ची लड़की, अरे यही लांछन लगाई है ना कि क्या नाम है, कल ही बोली है कि फर्जीवाड़ा कि क्या नाम है, प्रियंका दीदी भाइयों से पैसा लूटती थी। अरे दुनिया का रीत है कि भाई और बहन दोनों का रिश्ता पवित्र है, पैसा लेने का हक है उस पे, क्यों नहीं हक है? डॉक्टर के नाम भी एफआईआर किया है राम मनोहर लोहिया, जो दिल्ली में अस्पताल है, कि वो फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बना के देता था सुशांत को और फर्जी दवाइयां देती थी उसकी बहन मीतू सिंह और प्रियंका सिंह, ये बोला है उन्होंने। अच्छा, यानी कि सौतेली बहन थी क्या? तुम बड़ी सती सावित्री हो, तुम सती सावित्री रहती तो आज ऐसा क्यों दिन भुगतना पड़ता? तुम इतनी ही ईमानदार होती, इतना ही सती सावित्री होती तो उद्धव सरकार जीव लटका के नहीं घूमते ना तुम्हारे आगे पीछे। ये परमबीर सिंह 60 दिन से कुंडली मार के बैठा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के केस पे, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? तुमने तो ये भी स्वीकार किया था कि क्या नाम है, 8 तारीख को, 8 जून को डिवाइस लेके गए थे। मैं कौन सा डिवाइस लेके गई थी? आ क्यों ब्लॉक कर दिया सुशांत सिंह राजपूत को 8 तारीख को? आप पवित्र थी तो जी। सुशांत भाई नहीं है तो लगातार उनपे लांछन पे लांछन लग रहा है, कभी ये कभी वो। अच्छा, अगर एफआईआर किया है प्रियंका दीदी पे, प्रियंका दीदी जवाब दे देंगी कि प्रिकॉशन का गलत ये कर रही है, तो सीबीआई पूछताछ करेगी ना। आपको क्या जरूरत है मुंबई पुलिस के पास जाने के लिए? लेकिन आपको मुंबई पुलिस में तो मुंबई पुलिस का घर है जी। वो चाहे बांद्रा पुलिस स्टेशन हो या सांता क्रूज हो जी। चाहे दादर हो, इस सारा पुलिस स्टेशन विश कन्या का हो चुका है। परमबीर सिंह ने बोल दिया है सारा मुंबई पुलिस को कि रिया मैडम जहां बैठे आ जहां दिखे, यस मैम, जहां देखे रिया मैडम तो वह तोहफा कबूल करो मैडम जी। हम लोग मुंबई पुलिस से हैं। रिया चक्रवर्ती के जो पिता हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनका बेटा गिरफ्तार हुआ तो कह रहे हैं हिंदुस्तान को शर्मानी चाहिए, अब बेटी भी ड्रग मामले में गिरफ्तार हो गई है तो इसलिए वो मिडिल क्लास थे, लेकिन इतना महंगा महंगा सामान वो खरीद रहे हैं, ड्रग मामले में उनके दोनों बच्चों का नाम आ गया, गिरफ्तारी हो गई है तो मिडिल क्लास फैमिली से थे, उनको ये नहीं पता था उनके बच्चे ड्रग का काम कर रहे हैं। देखिए, इंद्रजीत चक्रवर्ती को काम करना चाहिए, मिडिल क्लास भी नहीं बोले, बोले झुग्गी परिवार से, मिडिल क्यों बोल रहे हैं?
8 बॉडीगार्ड रखी है, बाउंसर 8 बॉडीगार्ड। एक बाउंसर का किराया होता है 2500 रुपया, 8 रखी है वो। सतीश मानी शिंदे जैसे हाफ वकील, हाफ वकील बोल रहा हूँ मैं, जो 10 लाख रुपया लेता है जी। उसके पास इतना बड़ा वकील है, इतनी महंगी महंगी एक दो गाड़ी से घूम रही है, देख रहे होंगे आप जी। इसके लिबास से लग रहा है कि ये मिडिल क्लास की होगी जी। अरे मिडिल क्लास की तो हम लोग हैं, वाइट ये देखिए ये बटन गल गया है, हम लोग मिडिल क्लास से हैं जी। मिडिल क्लास बोल रही है, तुम्हारा रिश्ता वो 80 साल के ठड़की भट्ट से है, आप मिडिल क्लास बोल रही हो। देखिए एक एक पूरे देश में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जहाँ कोई किसी को बचाना है वो चाहे कितना भी गुनहगार हो या कितना भी गलत हो उसको सबसे अच्छा इमोशनल ब्लैकमेल कर दो, इमोशनल ब्लैकमेल कि मेरा अब जैसे थोड़े दिन के बाद ये भी आने वाला है इंद्रजीत चक्रवर्ती, ये भी बोल देंगे कि मेरा आँख टेढ़ा है तो मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा है। अभी प्ले कार्ड खेला गया ना कि इंडियन आर्मी से हैं हम, अरे भाई इंडियन आर्मी तो पवित्र चीज़ है, उसको क्यों घसीट रहे हो। आप रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं और कहाँ लिखा हुआ है कि इंडियन ऑफिस इंडियन एक्स आर्मी गलत काम नहीं कर सकता, ऐसा तो है नहीं ना कि आप लोग पवित्र हैं जी। हर जगह गलत सही होता है, लेकिन इंडियन आर्मी को क्यों घसीट रहे हो, वो तो पवित्र चीज़ है जी।